हुई तेज बारिश से बरसाती नाले में तेज उफान आने से एक युवक नाले में बह गया, तो वहीं दो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। छिंदवाड़ा के बीच शहर में स्थित भगवान श्रीचंद स्कूल के पीछे नई बैल बाजार का यह पूरा मामला है। प्रशासन एवं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गए। घटना के बाद छिंदवाड़ा के नव निर्वाचित महापौर विक्रम आहके भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने की बात कही। उक्त घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल एक की तलाश जारी है। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर 40 वर्षीय युवक शाम की तलाश में जुटी हुई है। मीडिया से बात करते हुए छिंदवाड़ा सीएसपी प्रियंका पांडे ने बताया कि रेलवे पटरी के पास बस्तियां बनी हुई हैं। उसी के समीप पर एक नाला बना हुआ है जिसमें 40 वर्षीय व्यक्ति शाम नाले में बह गए हैं। वहीं उनके साथ दो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी 40 वर्षीय युवक की तलाश में जुटी हुई है। मजदूरी करते भैया, हमारे कुड़िया बना झोपड़ी बनाए हुआ, बीवी मेरा आदमी छोड़ के गई, मैं अच्छे भले मेरी कुड़िया है, लड़के बच्चे सब छोड़ के मैं कोई काम के लिए बाहर गई, मैं घर में नहीं थी वहाँ पर। जब तक बाहर गई पानी आने लगा, पानी आने के पहले मैं घर में रहती, मेरे आदमी मेरे शाम को मैं बचा ली थी। उनको बचा लिया गया है और उनकी जो बहे हुए व्यक्ति हैं श्याम, उनके सर्च उनके लिए सर्च अभियान जारी है। हमारा टीम रवाना है हर जगह से। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।